मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मिनेटर ब्लॉग्स। दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करने से पहले तहे दिल से आप लोगों का अपने चैनल को स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूँ जो आपके सेविंग स्कीम से रिलेटेड आज इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। दोस्तों तो आई होप आप लोगों को अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे तो आप प्लीज़ उनको लाइक कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर कर रहे होंगे ताकि उन लोग तक ये जानकारी पहुँच सके। दोस्तों तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ दो पॉलिसी के बारे में, क्योंकि हर कोई माँ बाप होते हैं, जो भी पेरेंट्स होते हैं, अगर हमारे जो बच्चे हैं, हम अपने बच्चों के लिए अगर फ्यूचर के लिए बारे में सोच रहे हैं तो हम कोई ना कोई ऐसी कोई स्कीम होती है जो हम उनके लिए सेविंग स्कीम होती है जो हम उनके लिए लेते हैं दोस्तों, और लेनी भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारे बच्चे के फ्यूचर का सवाल होता है। तो हमारे अपने बच्चे के फ्यूचर के सवाल के लिए, जो हमारा बच्चे का फ्यूचर होता है, उसके लिए हमें कोई ना कोई स्कीम पक्का लेनी चाहिए। उसी के बारे में आज मैं दो स्कीम लेके आया हूँ दोस्तों, जो आपको मैं यहाँ पर मैं आपको इनका कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सी आप लोगों के लिए बेस्ट है, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों। जो भी आपको अच्छी लगती है दोनों में से, दोनों को कंपेयर करूंगा तो आप देखना कि आपके लिए इसमें दोनों में से कौन सी फायदेमंद है दोस्तों। एंड दोस्तों, मैं ये चीज़ें क्या है लेके आता रहता हूँ, और गवर्नमेंट क्या करती है टाइम टू टाइम यहाँ पर, क्या है कोई बच्चों के लिए कोई ना कोई सेविंग स्कीम क्या है यहाँ पर, हर साल कोई ना कोई सेविंग स्कीम क्या लेके आती रहती है दोस्तों। तो टाइम टू टाइम क्या है, जितनी भी पॉलिसीज हैं आती रहती हैं और कुछ प्लान्स वगैरह आते रहते हैं, और मैं आप लोगों के सामने वही कुछ चीज़ें लेके आता रहता हूं दोस्तों। मैंने पहले भी कुछ LIC की पॉलिसीज जो हैं वो डाली हुई हैं अपने वीडियो के अंदर, तो आप वहां पर भी जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेटर है दोस्तों। और अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए या अपने बच्चे की जो शिक्षा के लिए ना दोस्तों, हमें अभी से सेविंग करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये चीज़ें हम आज के टाइम पर अभी नहीं समझते हैं, लेकिन बट जब वो टाइम आता है तब हमें याद आता है कि यार उस टाइम मैंने ये चीज़ अपने बच्चे के लिए सेविंग कर ली होती तो मेरे लिए बेटर होता दोस्तों। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी हम तो आज हम बात करने वाले हैं LIC और पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में दोस्तों। तो LIC की एक स्कीम है दोस्तों, एक जो पॉलिसी है वो है जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 933, और एक है जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसको हम के SSY के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो आई होप आप बहुत सारे लोगों ने इस सुकन्या समृद्धि योजना को लिया होगा तो दोस्तों, और बहुत ही कम लोगों को ये जीवन लक्ष्य के बारे में पता होगा। जीवन लक्ष्य का जो दूसरा नाम है इसका, कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं दोनों पॉलिसी को कंपेयर करके बताऊंगा, तो आप देखना आपको किस में फ़ायदा लगता है दोस्तों। तो यही आज मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है, बहुत ही सारी चीज़ों का आपको पता लगने वाला है दोस्तों। तो वीडियोज़ को लास्ट तक जरूर देखें और स्किप ना करें दोस्तों, तभी आप पूरी इन्फॉर्मेशन को ले पाएंगे, तभी आपको पता लग पाएगा कौन सी पॉलिसी आप लोगों के लिए बेटर है दोस्तों। चलिए चलते हैं वीडियो में आगे दोस्तों। तो बात कर लेते हैं पहले हम जीवन लक्ष्य दोस्तों, इसका जो जीवन लक्ष्य का जो मेच्योरिटी होता है, जो हम मेच्योरिटी इसमें ले सकते हैं दोस्तों, तो हम 13 से 25 साल का इसमें टर्म क्या हम चूज कर सकते हैं, 13 साल से लेके यानी कि 25 साल के बीच में हम टर्म इसमें चूज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 14 साल का ले लो, 15 साल का ले लो, 16 साल का ले लो, 25 साल तक आप कोई भी टर्म इसमें चूज कर सकते हो दोस्तों। सुकन्या समृद्धि योजना में जो मेच्योरिटी होता है दोस्तों, वो आप 21 साल का ही होता है, इसमें कोई भी बीच में वो नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट आपको 21 ईयर्स के लिए ही लेना पड़ता है, यानी कि 21 ईयर्स के लिए आपको लेनी पड़ेगी पॉलिसी, और इसको आप 13 से 25 साल के लिए ले सकते हो, कोई भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। उसके बाद जो है जीवन लक्ष्य पॉलिसी है, जीवन लक्ष्य पॉलिसी को आप जो है पेरेंट्स के नाम पर ले सकते हैं, बच्चे के माता पिता के नाम पर लिया जाता है दोस्तों, और क्योंकि बाद में उसको, ताकि इसको क्या है इंश्योरेंस का भी फायदा मिल सके, वहां पर इंश्योर्ड का भी फायदा मिल सके, इसलिए इसको पेरेंट्स के नाम पे लिया था। और जो ये पॉलिसी है सुकन्या समृद्धि, ये सिर्फ क्या है बच्चे के नाम पे ली जाती है, सुकन्या समृद्धि योजना जो है सिर्फ बच्चे के नाम पे ही ली जाती है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों जो मेच्योरिटी अमाउंट है, जो मेच्योर, जब ये पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी, जीवन लक्ष्य है की बात करता हूँ LIC की, तो जब ये पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी तो अमाउंट जो है पेरेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इस केस में LIC के केस में क्या होता है, जो अमाउंट है वो माता पिता के अमाउंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन जो ये पॉलिसी है, जो आपके सुकन्या समृद्धि योजना है, इसके अंदर जो है ऑन मेच्योरिटी पे जो अमाउंट है वो लड़की के अकाउंट के अंदर, लड़की का जो अकाउंट है उसके अंदर, यानी डॉटर का अकाउंट है उसके अंदर ट्रांसफर डायरेक्ट किया जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, जो LIC है इसको इंडियन सिटीजन के साथ साथ जो है NRI भी ले सकते हैं दोस्तों, यानी कि इसमें एक चीज, एक फायदा है इस LIC पॉलिसी के, सुकन्या पॉलिसी के अंदर या LIC के अंदर, कि इस पॉलिसी के अंदर क्या है, NRI और इंडियन सिटीजन दोनों इसमें क्या इस पॉलिसी को ले सकते हैं। लेकिन
जो ये पॉलिसी है सुकन्या समृद्धि योजना है पोस्ट ऑफिस वाली, इसके अंदर सिर्फ क्या है, सिर्फ जो इंडियन सिटीजन ही क्या है इस पॉलिसी को ले सकता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट बात करूं दोस्तों सम एश्योर्ड की बात करता हूं कि अगर हम इसमें हम सम एश्योर्ड जो है मिनिमम 1 लाख का ले सकते हैं दोस्तों। LIC के अंदर जो जीवन लक्ष्य पॉलिसी है उसके अंदर मिनिमम सम एश्योर्ड हम 1 लाख ले सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, मैक्सिमम हम कितना भी ले सकते हैं। लेकिन जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसके अंदर जो हमारी पोस्ट ऑफिस की स्कीम है उसके अंदर हमें क्या है जो पॉलिसी को जो इसमें 1 ईयर में एक साल के अंदर हमें 1,000 और मैक्सिमम 1,50,000 हमें डिपॉजिट करना पड़ता है दोस्तों। तो इसमें कोई भी आपका मतलब कि ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको इसमें कि जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं वही प्रीमियम आपको पे करना है, इसमें आप 1,000 से लेकर 1.5 लाख तक कितना भी एक साल में जमा कर सकते हैं। लेकिन जो LIC है उसके अंदर आपका जो यहाँ इसमें अंदर प्रीमियम बनता है वो आपको जो भी है जैसे भी आप प्रीमियम लेते हो, चाहे मंथली लेते हो, चाहे 3 महीने का क्वार्टरली लेते हो, या 6 मंथली लेते हो, या ईयरली लेते हो, उस हिसाब से आपको डिपॉजिट करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ दोस्तों ऑन मेच्योरिटी पे क्या क्या मिलता है। ऑन मेच्योरिटी में LIC में क्या मिलेगा, जो जीवन लक्ष्य पॉलिसी है LIC की उसके अंदर ऑन मेच्योरिटी पे आपको बीमा धन प्लस बोनस ये चीज मिलेगी। और सुकन्या समृद्धि में आपको जब मेच्योर हो जाएगी आपकी पॉलिसी तो क्या मिलेगा आपको, जो आपकी जमा राशि होगी और ब्याज होगा प्लस वो ही मिलेगा आपको दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। अब नेक्स्ट पॉइंट है अभी हम बात कर लेते हैं कि ऑन डेथ पे क्या कवरेज है दोनों पॉलिसी के अंदर, किस किस पॉलिसी के अंदर फायदा यहाँ पर आपको मिल रहा है दोस्तों। तो आप खुद अब समझ लीजिएगा कि किस पॉलिसी के अंदर ज्यादा बेनिफिट है। ऑन डेथ पे आप बात कर लेते हैं, ऑन डेथ में जो है LIC के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस और उसके बाद प्रीमियम क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर माफ हो जाएगा आपका। और बात कर लेता हूं दोस्तों मैं पोस्ट ऑफिस पॉलिसी के अंदर क्या होने वाला है। इसके अंदर दोस्तों आपको क्या 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 होगा, ऑन डेथ प्रीमियम क्या आपका माफ नहीं होगा दोस्तों, यहां पर ऑन डेथ प्रीमियम माफ नहीं होगा। और इसके अंदर सिर्फ आपको अगर डेथ भी हो जाती है तो उसके बाद भी आपको मेच्योरिटी के अंदर जमा राशि प्लस जो जितना भी जमा राशि होगा उस टाइम पर और उसके ऊपर आपको ब्याज ही मिलेगा दोस्तों, बस इतना ही मिलेगा इसके अंदर आपको जो है आपकी सुकन्या समृद्धि के अंदर। तो सुकन्या समृद्धि के अंदर यहाँ पर ये फायदा नहीं मिलने वाला दोस्तों आपको। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, इसमें जो LIC के अंदर जो है पर ईयर जो नॉमिनी होता है डेथ के बाद पर ईयर नॉमिनी को 10% हर साल मिलेगा। यानी कि आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख का बीमा लिया है तो उसके ऊपर 1 लाख का हर साल नॉमिनी को मिलेगा इन एक्सीडेंटल केस दोस्तों, इन अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तब उस केस में दोस्तों, चाहे वो नॉर्मल डेथ है चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ है, तो उस केस में क्या होगा आपको जितना भी आपका जो सम एश्योर्ड अमाउंट होता है उसका 10% के आपको हर ईयर जो है नॉमिनी को मिलता है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर एक और चीज है, जब समय पूरा हो जाता है यानी कि मेच्योरिटी का टाइम हो जाता है उस पॉलिसी का LIC के अंदर, उस पॉलिसी का जो मेच्योरिंग टाइम हो जाता है तो उसके बाद भी जो मेच्योरिटी की जो पूरा अमाउंट होता है वो भी उसके बाद मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों कितने सारे फायदे हो गए इसके अंदर, प्रीमियम माफ हो गया आपका, हर साल नॉमिनी को जो है 10% अमाउंट मिलेगा, उसके बाद आपका ऑन मेच्योरिटी होने के बाद क्या है आपको पॉलिसी का जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो भी आपको मिलेगा दोस्तों। तो यहां पर ये बहुत ज्यादा बड़ा फायदा है इस LIC पॉलिसी के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों इसके अंदर जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसके अंदर आपको क्या है, कोई लोन की सुविधा नहीं है, लेकिन LIC के अंदर आपको आफ्टर 2 ईयर्स के बाद इसके ऊपर आप लोन ले सकते हो दोस्तों, लोन सुविधा भी है दोस्तों इसके ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट भी बात कर लो दोस्तों, अब कर लेते हैं टर्म, इसकी टर्म कितने साल की है। जैसे हमने लिया है अगर सुकन्या समृद्धि का हमने टर्म लिया 21 साल लिया है अगर हमने टर्म सुकन्या समृद्धि का अगर 21 साल हमने टर्म लिया है तो हमें जो पेमेंट करनी है यहाँ पर 14 ईयर करनी है। जो हमें अगर हमारे पास जो टर्म है वो 21 साल का लिया है हमने सुकन्या समृद्धि यानी कि इसके अंदर, तो हमें कितना 21 साल का टर्म लिया तो 14 साल तक हमें प्रीमियम भरना है दोस्तों इसमें। और जो LIC के अंदर दोस्तों हमने अगर 21 साल का टर्म लेते हैं यहाँ पर हम 21 साल का, तो हमें जो इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म है वो हमारा 18 साल रहेगा दोस्तों। यानी कि हमने 18 साल तक क्या करना है इसमें पैसा भरना है दोस्तों, 3 साल का हमारे यहाँ पर जो है LIC भरती है पैसा।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, जो सुकन्या समृद्धि योजना है सिर्फ ओनली गर्ल्स के लिए है, लड़कियों के लिए है, और जो गर्ल्स एंड बॉय, ये जो LIC है, जो जीवन लक्ष्य पॉलिसी है, ये गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए है दोस्तों। इसमें दोनों के लिए हम क्या यहाँ पर ले सकते हैं इसको। उसके बाद बात करूँ दोस्तों, जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसके अंदर कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता है दोस्तों, जबकि LIC के अंदर आपको यहाँ पर इंश्योरेंस मिल जाता है, आपके माता पिता का जो इंश्योर्ड होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों। और दोस्तों बात करूँ सुकन्या समृद्धि योजना पर, इसमें शुरुआती में जो, तो जब ये सुकन्या समृद्धि स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर जो इसका जो स्टार्टिंग हुआ था इंटरेस्ट रेट का, वो 10% से हुआ था दोस्तों, जो आज जो है माइनस होके कितना हो गया तो 7.6% आज की डेट में इसके ऊपर मिल रहा है दोस्तों आपको। लेकिन वही LIC के अंदर जो इसका जो बोनस रेट चल रहा था, आज भी वही बोनस रेट इसके ऊपर चल रहा है दोस्तों, तो आज भी उस पॉलिसी के अंदर वही सेम बोनस रेट चल रहा है जो स्टार्टिंग में चल रहा था दोस्तों, तो इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी, तो आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा कि कौन सी पॉलिसी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, दोनों पॉलिसीज के अंदर किस में ज़्यादा फायदा मिल रहा है, और अगर आपको दोनों पॉलिसी में से किसी में भी आपको अच्छा लग रहा है तो आप वो पॉलिसी ले सकते हो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए या उसकी शादी के लिए, अगर आपने प्लानिंग कर रखी है दोस्तों। तो अभी से अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अगर आपका बच्चा 0 साल से लेके 18 साल तक है, तो आप ये पॉलिसीज क्या ले सकते हो दोस्तों, और स्टार्टिंग से ही आप पॉलिसी ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ जानकारी जो आपके लिए फाइनेंशियल जानकारी थी, तो ये चीज़ें इंसान को हमेशा टाइम रहते ही ले लेनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ और लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर पहुँचा दें। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोस्तों, तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।